हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो देखिए आज के अपने न्यू ब्लॉग में क्या करते हैं। तो फाइनली सभी बज रहे दोपहर के 2:30 हो रही हैं और हम लग रहे हैं अपनी तैयारी में। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी लड़का यहाँ पर सो रहा है और हमारी तैयारी चल रही है। इधर पूरी अलमारी खाली कर दी है, देखिए पूरी अलमारी खाली हो गई है और सारे कपड़े वगैरह ऐसे पड़े हैं बिखरे हुए, बिकॉज आज हम घर शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। कुछ मजबूरियाँ हैं, मजबूरियों के कारण हमें दूसरा घर शिफ्ट करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, लेकिन बहुत अच्छा घर था, अब था ही बोला जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल तो अब हम जा रहे हैं इस घर से, लेकिन बहुत अच्छा घर है सच में। भले ही एक कमरा है लेकिन इसमें सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा घर है। तारीफ मतलब सोच तो ये रहे थे कि लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ सामने आ गई तो मजबूरियों को तो फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से मजबूरियों के कारण हमें घर चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन हम ये सोच के आए थे यहाँ पर हम रहेंगे तो 5 साल या 7 साल जितनी भी मतलब यहाँ की पोस्टिंग है इनकी, उतने ही टाइम हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि हमें घर बहुत पसंद आया था। ये रही साक्षी, और साक्षी है ना बहुत मतलब शिफ्ट करने में बहुत मेहनत कर रही हैं। अभी दिव्यांश सो रहा है, पहले अलमारी का सामान जो है इसको शिफ्ट कर लेते हैं, इसे पैक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब बेड का सामान करेंगे, ठीक है। तो साक्षी की काफ़ी मेहनत चल रही है भाई घर शिफ्ट करवाने में, सच बता रही हूँ। क्यों साक्षी, आराम से है ना, गिरा मत लेना। और कुछ सामान तो इधर लगा दिया है मैंने और साक्षी ने इस तरीके से, अभी तो बहुत सारा सामान निकलेगा घर में, है ना साक्षी। अरे यार आराम से, बेड भी मैंने पूरा खाली कर दिया है। इधर बेड का सामान ये रहा, कुछ सामान चला गया है दूसरे घर में, और अभी कूलर से पानी निकाल रहे हैं हम, क्योंकि कूलर भी जाने में है तो कूलर में से पानी निकाल रहे हैं। और इधर दिव्यांश को आपको मैं दिखाऊं, दिव्यांश और साक्षी मस्ती करने लग रहे हैं यहाँ पर। दिव्यांश और ये है हमारी तरफ से, यानी हम दोनों की तरफ से भैया और भाभी के लिए लास्ट गिफ्ट ये है भैया। और इस वाले घर से हमने दूसरे वाले घर में सामान भिजवा दिया है, बेड वगैरह अलमारी वगैरह सारा सब कुछ। तो सोने का सेटअप गद्दे डालकर इस तरीके से किया है हमने, आज धरती में सोएंगे हम सब। फाइनली फ्रेंड्स आपके बच गए 9 और घर का बहुत सारा सामान पहुंच गया है, कुछ रह गया है अभी बाकी, मतलब कुछ है बाकी भेजने के लिए, तो उसको हम कल सुबह भेजेंगे। और अभी खाना वाना बनाएंगे, वैसे भूख नहीं है क्योंकि भाभी जी भैया जी आए थे उनके लिए चाय पकौड़े बनाए थे, तो साथ में हमने भी खा लिए। वैसे पेट तो पूरा भर रहा है और ये बोलेंगे बच्चे बोलेंगे तो उनके लिए बना देंगे, तो बहुत ज़्यादा थकान होगी। फाइनली फ्रेंड्स आज के ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब